स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 5 की ज्योग्राफी के, जो कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है, और क्लास 9th का ये चैप्टर है भूगोल से। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी SST कक्षा 9 भूगोल। याद रखने योग्य बातें, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि अक्षत वनस्पति कहलाता है। वनस्पति की बात करें, देशज और विदेशज दो प्रकार की है। मूल रूप से देशज जो भारतीय होती है और विदेशज जो भारत के बाहर से आई होती है। वनस्पति जगत की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति। प्राणी जगत, प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कारक, भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भूभाग यानी कि एरिया, मृदा यानी कि मिट्टी, तापमान यानी कि टेम्परेचर, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और वर्षण यानी कि जहाँ बारिश होती है। उपजाऊ भूमि पर प्राय, भूभाग की बात करें तो उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है और असमतल भूभाग पर घास के मैदान होते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मृदा विभिन्न वनस्पति का आधार, उदाहरण बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ। तापमान, विभिन्न ताप कटिबंधों में विभिन्न वनस्पति पैदा होती है, उष्ण कटिबंध में सदाबहार और शीतोष्ण में शंकुधारी। सूर्य का प्रकाश, अधिकाधिक सूर्य प्रकाश मिलने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण की बात करें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें यानी कि इकोसिस्टम की बात करें तो दो भाग इसमें हमने विभाजित किए हैं, जैविक तत्व जिसमें वनस्पति और जीव जंतु आ जाते हैं, और अजैविक तत्व में मिट्टी, भूमि, खनिज, वर्षा, वायु आदि। तो इकोसिस्टम को दो भाग में बांटे तो हमें पता लगता है कि जैविक तत्व है और अजैविक तत्व है। बायोम क्या होता है? भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जंतु शामिल होती हैं, इसे बायोम कहते हैं। वनस्पति के प्रकार की बात करें तो जैसे उदाहरण के रूप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। इनकी विशेषता होती है कि गर्म और आर्द्र जलवायु, वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता इनका, वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक, अत्यधिक घने और हरे भरे। मुख्य वनस्पति आबुनिस यानी कि इबोनी, महागुनी, रोड रोजवुड, रबर और सिंकोना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मुख्य जो वनस्पति है वो ये है, एबोनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना। मुख्य वन्य प्राणी हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा रेंगने वाले जीव। राज्य क्या क्या हैं? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, असम और तमिलनाडु। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन, जिनका आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इनको चाहिए होती है। शुष्क वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 5 साल शीशम, चंदन, शहतूत इनके जो फल हैं और इसके पेड़ भी हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जो लकड़ी होती है कौन सी है? बाँस, साल, शीशम, चंदन और शहतूत। इनके जंगलों में कौन कौन पाए जाते हैं? सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि। एरिया है जो इसका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्य। कंटीले वन की बात करें तो कंटीले वन तथा झाड़ियों को वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम के दौरान भी चल जाएंगे। विशेषताएँ कि कंटीले तथा झाड़ियाँ, पेड़ों की लंबी जड़ें, पत्तियां छोटी और कांटेदार जिसमें कम वाष्पीकरण हो। मुख्य वनस्पति अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी। मुख्य वन्य प्राणी
चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट। राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र। पर्वतीय वन 100 सेंटीमीटर से 2000 मीटर ऊंचाई इनकी होती है। अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले पेड़, कोमल लकड़ी, ओक और चेस्टनट इनके जो मुख्य पेड़ होते हैं, कश्मीर में होते हैं ये, और महावृक्ष, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, ये सब वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ये पर्वतीय वन होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये वन है, और इनमें जो कुछ भेद भी है। 1500 सेंटीमीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष, अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन पशुचारण के लिए उपयोग है, जनीपर, पाइप और बर्च। टुंड्रा वनस्पति, ना वृक्ष ना ही घास के मैदान, मोसेन और लिचिन। मैंग्रोव वन सुंदरी पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सुंदरी पाम यानी कि ताड़, नारियल, एंगोर ये मैंग्रोव वन के प्रकार हैं, यहाँ उगते हैं इस तरह के पेड़। रॉयल बंगाल टाइगर, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप इन्हीं वनों में पनपते हैं। महानदी डेल्टा, कावेरी, गोदावरी डेल्टा, पश्चिम बंगाल, ये जो एरिया है मैंग्रोव वनों का है। वन्य प्राणियों की बात करें, वाइल्ड लाइफ की, भारत में वन्य जीवों की लगभग 9000 प्रजातियां मिलती हैं, पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां और मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर के जंगल हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण में से चुनी है। प्रत्येक वनस्पति और जीव जंतु का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का महत्व, लाभ, बहुत सी औषधियाँ का चुनाव, पादपों का प्रयोग किया जाता है, जानवरों से खाद्य वस्तुएं, दूध, अंडा आदि, और दैनिक जीवन में बोझ ढोने के लिए उपयोग। वनों के लाभ की बात करें तो वनों के लाभ क्या क्या है। वर्षा लाने में सहायक है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, खाद की प्राप्ति होती है, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम होती है, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल होता है, जलवायु का सामान्य बनाना, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, ईंधन धंधों के लिए सहायक। भारत की प्राकृतिक वनस्पति देख सकते हैं हम मैप के माध्यम से। वर्षावन किधर हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयावन और कई चिड़ियाघर बनाए गए हैं। नेशनल पार्क अभयावन और जीव मंडल निश्चय में अंतर है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, अभयावन क्या है और जीव मंडल क्या है। किसी विशेष पौधे या वन्य जीव की प्राकृतिक वास, उदाहरण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बाघों के लिए उदाहरण के रूप में समझे। नेशनल पार्क क्या है, किसी विशेष पौधे या वन्य जीव का प्राकृतिक वास, जैसे जिम कॉर्बेट। अभयवन क्या है, एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसे पौधे और जीवों की प्रजातियों को आरक्षित करने के लिए बसाया गया हो, मानव पक्षी अभयवन। नेशनल पार्क तो हो गया कि जो कुदरती है, अभयवन जो बसाया गया हो, जीव मंडल निश्चय एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसे सभी प्रकार के जीवों की सुरक्षा के लिए बसाया बनाया गया हो, उदाहरण सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय। क्षेत्रफल भी इनका दे रखा है, पर्यटन की अनुमति नहीं है। देखिए वन्य प्राणी नीचे, दाचीगम, राजा जी, कॉर्बेट, वनवासा, सरिस्का, भरतपुर, रणथंबोर, दुधवा, शिवपुरी, चंद्रप्रभा, काजीरंगा, मानस, सिमलीपाल, काना,
कनेरी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले दो वृक्षों के नाम महोगनी और रबड़ कौन सी वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। सिमलीपाल जैव मंडल निश्चय कौन सा राज्य में स्थापित है? गुजरात। सिमलीपाल जैव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थापित है? उड़ीसा। भारत में जीव जंतुओं की 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। तटीय प्रदेशों में कौन से वन ज्वार से प्रभावित होते हैं? मैंग्रोव वन। नीम और तुलसी औषधीय पौधों पादप के उदाहरण हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 47,000। अब बात करें प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। 3 से 5 अंकों वाले प्रश्न की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी को ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कांटेदार वन के वृक्षों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों के तनों की प्रकृति अवशोषक प्रकार की होती है जो संरक्षण के लिए आवश्यक है। इन पेड़ों की पत्तियां मोटी तथा आकार में छोटी होती हैं। चौथा प्रश्न, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के 3 कारण बताइए। जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि की मांग को पूरा करने के लिए वन काटे जा रहे हैं। मानव जाति तथा वन्य पशु अपनी आजीविका के लिए भी वनों का उपयोग करते हैं। प्रदूषण तथा रासायनिक उद्योग कचरा वनों की हानि के लिए उत्तरदायी है। पांचवा प्रश्न है, भारत में किन्हीं 3 नेशनल पार्कों के नाम बताइए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र आहार श्रृंखला की दृष्टि से पादप और जंतुओं द्वारा की गई एक व्यवस्था है जिसके द्वारा वे अपने भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतः निर्भरता और अंत संबंध बनाए रखते हैं। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत को प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर वनस्पति क्षेत्रों में भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियां और पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है? प्राकृतिक वनस्पति अनेक प्रकार के उद्योगों का आधार है। दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, कागज उद्योग, वार्निश तथा रंग, औषधि निर्माण, इन सभी के लिए प्राकृतिक वनस्पति अनेक प्रकार के उद्योगों का आधार है। वनों के प्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। वनों के प्रत्यक्ष लाभ हैं, वर्षा लाने में सहायक है, वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खाद की प्राप्ति, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम, वन्य प्राणी, ये सभी वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो इकाई समाप्त होती है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।